ये लगी चाबी और उधर मेरे वाले मोटरसाइकिल की चाबी। Hey, what's up, lovely people? This is Joel. Welcome back to the channel, everyone. I hope you're doing absolutely fine. So, दोस्तों आज आपको एक नई चीज दिखाऊंगा। कुछ दिन पहले वो मैंने लिया था, जिसको हम बोलते हैं फ्लिपकी। और मेरे साथ शिवम जा रहा है। अभी दिखाते हैं कौन सी चीज़ है वो करवाने के लिए, उसको बनवाने के लिए जा रहे हैं। शिवम से मिलवाता हूँ, ठीक है। एंड सो बिफोर आई डू सो, सब्सक्राइब टू माय चैनल jdvlogsdelhi, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक। सो आज हम जा रहे हैं अपनी ये चाबियों को बनवाने के लिए, जो फ्लिपकी है। और चलिए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले चीज़ ये है कि ये दोनों चाबियाँ जो हम बनवा रहे हैं, इससे पहले हमारे पास दूसरी चाबियाँ थी। शिवम दूसरी वाली चाबी दिखाओ यार। जो पहली वाली थी चाबियाँ हमारी, वो दोस्तों ये वाली चाबियाँ थी। ये दोनों इकट्ठी बनी थी और अब साथ में ये वाली दूसरी जो फ्लिप की है ये बनेगी। सो चलते हैं, बनवाते हैं चाबी, जाके देखते हैं और दिखाते हैं कैसे चाबी बनती है, ठीक है। और हमारी मोटरसाइकिल जो हैं वो तैयार खड़ी हैं। अभी आपको एक राउंड दिखाता हूँ दोनों मोटरसाइकिल का। सो दोस्तों ये जो शिवम वाली गाड़ी है ये क्लासिक 350 है और मेरी वाली तो डुगडुग जो है वो 500 सीसी है। और आप देख लीजिए दोनों की ऑलमोस्ट सेम अलॉय व्हील्स हैं, हार्ले 13 स्पोक लगे हुए हैं दोनों में। और अभी शिवम के लगा हुआ है शॉट बॉटल ढोलकी डिग 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 वाली, और मेरा तो जो है स्टॉक एग्जॉस्ट है दूसरा वाला, अब स्विफ्ट कंपनी वाला। सो चलो चलते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ हैं आलम भाई, और आलम भाई चाबियां बनाने का काम करते हैं, जिनके पास मैं आज आया हूं, जो मेरी चाबी जो मैं और शिवम ने फ्लिप की ली है। सो आलम भाई मेरे को बताएंगे आपको कितने साल हो गए हैं यहाँ पे चाबियाँ का काम करते, जो आप चाबियाँ बनाते हो। हेलो सर, माय नेम आलम, आई एम कंप्यूटराइज की मेकर। मैं द्वारका सेक्टर 6 में 2003 से काम कर रहा हूँ, और जो गाड़ी वगैरह का और बाइक वगैरह का कंप्यूटराइज की बनाता हूँ। तो हाथ से भी चाबियाँ बनाते हो? हाँ, हाथ से भी बनाता हूँ सर, मैं एकदम एक्सपर्ट की मेकर हूँ। कंप्यूटर से अच्छी चाबी मैं हाथ से बनाता हूँ। क्या बात है। तो आज आप जो चाबी बनाओगे हमारे लिए, कंप्यूटर से बनाओगे के हाथ से बनाओगे? नहीं, हाथ से बनाऊंगा, लेकिन कोई बोल नहीं सकता कि मेरे हाथ की बनी हुई चाबी कंप्यूटराइज नहीं है। क्या बात है। चलो देखते हैं दोस्तों और दिखाते हैं चाबी, जैसे आलम भाई बना रहे हैं कैसे कैसे बनाते हैं चाबी और क्या क्या औजार इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए। जैसे उन्होंने बताया कि वो कंप्यूटर से नहीं बनाएंगे, हाथ से बनाएंगे इस बारी चाबी, जो मेरी स्पेशली, और शिवम की भी चाबी हाथ से ही बनेगी। सो दिखाते हैं दोस्तों आपको, चलिए। हाँ तो सर, ये आप जो ये हमारे हमारे बहुत प्रिय कस्टमर हैं, जो हमारे पास रेगुलर आते हैं चाबी बनवाने के लिए, ये लाए हैं अपनी फ्लिप की, जो कि बुलेट गाड़ी की नहीं है ये, लेकिन इसको बुलेट में कन्वर्ट करना है मेरे को, ठीक है सर। अभी मैं सबसे पहले चाबी की लेंथ देखूंगा, लेंथ कितनी है। ये फ्लिप की जो है इसकी लेंथ लंबी है, मुझे इसके साइज की इसको बनाना है। तो दोस्तों देख सकते हो कि पहले लेंथ को बराबर करने के लिए इसको घिसा जा रहा है, क्योंकि इसमें लेंथ बराबर होना जरूरी है, उसके बाद में फिर लीवर कटिंग होगा। अभी ये चाबी सर, अब ये चाबी की लेंथ बराबर हो गई है, अब मैं जो हूँ अब चाबी के लीवर काटूंगा। ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये अभी घिस रहे हैं, तो अभी लीवर कटने शुरू होंगे इसके चाबी के। ये अब सर मैं लीवर कटिंग कर रहा हूँ चाबी के, ठीक से दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये लीवर कटिंग करने की स्पेशल भाई है, जो हर कोई चाबी वाला इसको इस्तेमाल नहीं करता है। ओके, ठीक है। वैसे मैनुअल जो होती है फाइल ये होती है, और कंप्यूटराइज की में कटिंग करने के लिए ये वाली फाइल चलती है। सो नजदीक से दिखा रहा हूँ दोस्तों आपको, ये चाबी के पहले दांत जैसे होते हैं, तो उसको बराबर में कहाँ कहाँ है उसको बराबर में देख रहे हैं। अब इसकी घिसाई होगी। इसी को बोलते हैं कि तजुर्बा, जो हाथ के हुनर का तजुर्बा होता है उसे अपने आप ही पता चल जाता है। क्यों आलम भाई? माई 24 ईयर एक्सपीरियंस। क्या बात है, 24 साल का एक्सपीरियंस। लोगों की, लड़कों की उम्र होती है इतनी। मैं 12 साल की एज से काम कर रहा हूँ।
क्या बात है। अभी सर मैंने ये जहाँ जहाँ इसका ग्रुप कटा हुआ है की का, जहाँ पे लीवर है वो मैंने उसका साइज बना दिया। अब मैं इसको कैलिबर यूज करूंगा इसको कटिंग करने के लिए। ओके, तो मेरे पास पूरी तैयारी, जहाँ जहाँ दांत थे वहाँ वहाँ आपने कर दिया है। तो अभी ये क्या चीज आप कर रहे हो? सर ये है कैलिबर। ओके, और इसको मैं यूज करूंगा जितना कस्टमर के चाबी के अंदर लीवर कटा हुआ है ग्रुप, हाँ, उसको नापूंगा, उसके बाद में फिर वही साइज का मैं डुप्लीकेट चाबी में इस्तेमाल करूंगा इसको। ओके, सो इसका मतलब जो अंदर के दांत हैं जिस तरीके से चाबी के हुए हैं उस साइज के तैयार कर रहे हो आप? उस साइज के तैयार कर रहा हूँ। अरे ये वो एक बार चेक करें दोबारा कि क्या साइज है, क्या एक लीवर हो गया। हाँ, ये दूसरे लीवर का साइज चेक हो रहा है लाइन से, एक एक लीवर इसका सब ऐसे ही कटिंग करूंगा। तो दोस्तों ये जो काम हो रहा है मेरा चाबी का जो मैं करवा रहा हूँ, ये आपको कैसे लगता है कमेंट करके जरूर बताना है आपको, और लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल जेडी ब्लॉग दिल्ली को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है तो लाल बटन है सब्सक्राइब का, आप सब्सक्राइब करिए जरूर। दोस्तों मेरे को तो मजा आ गया, अभी तो शिवम का भी जैसे होगा काम, वो भी शिवम का भी ऐसे ही होना है, क्योंकि मैं तो आलम भाई के पास पहली बार ही आया हूँ, शिवम और मेरे बड़े भैया पहले आ चुके हैं, वो वहीं ये वही काम कराते हैं, मैं तो कभी आया नहीं इधर। जो दूसरी वाली चाबी बनी हुई है वो भी इन्हीं से बनी हुई है, जो पहले आपको दिखाई थी वो गन वाली चाबी जो है वो भी इन्हीं के हाथ की कारीगरी का नतीजा है। ये हो गई सर आपकी चाबी तो, ये सारे कैलिबर चेक हो गए, सब कुछ हो गया। अब ये थोड़ा सा घिसाई करके कर रहे हैं कि सफाई हो जाए उसकी, फिनिशिंग के लिए लास्ट टच किया जा रहा है। एक तो वही है कि दोस्तों हम द्वारका में रहते हैं, तो और द्वारका में इससे अच्छा चाबी बनाने का जो कारीगर है आलम भाई से बढ़िया कोई नहीं है द्वारका में। लीजिए सर ये आपकी चाबी कंप्लीट हो गई है, सही आ रहा है? बिल्कुल सही, आप देख सकते हैं दोस्तों कितना साफ सुथरा काम किया है आलम भाई ने। दोनों चाबियां जो हैं, जो मेरी ओरिजिनल चाबी है और जो भी तैयार हुई है चाबी, बिल्कुल दोनों एक जैसी मैच कर रही हैं। ये चाबी लग बन गई है, तैयार होगी, अब देखते हैं इसको चेक करके। ये देखिए दोस्तों नज़दीक से दोनों तरफ के लीवर्स चेक हो रहे हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बिल्कुल सही तरह से मूव हो रही है। अब ये टैंक को चेक किया जाएगा, ये टैंक खुल रहा है आराम से, और ये खुल रहा है, बंद हो रहा है आराम से, और इधर ये टूल बॉक्स है, अब टूल बॉक्स यार, अब दोस्तों अब हैंडल लॉक चेक करेंगे। ये हो गया पूरी तरह से लॉक, ये देखिए ये टू साइड, ये सेकंड साइड चेक करी जाएगी, ये पूरा चाबी घूम रही है, सबसे अच्छी चाबी। सो आलम भाई ये कौन सा वाला ऑयल है? सर ये जंग रोधक ऑयल है जो मैं अपनी तरफ से बना के रखता हूँ, जिसमें तीन तरह के तेल मैं यूज करता हूँ। अच्छा, एक कार इंजन ऑयल, मोबिल ऑयल जिसको बोलते हैं, दूसरा मशीन का तेल, और केरोसिन मिट्टी का तेल। सो तीन तेल का मिला के आपने मिश्रण तैयार करा है, तो अभी एक बार फिर मेरा ये मानना है कि इसको अगर लोक में डालो तो लोक में कभी जंग नहीं लगेगा लीवर में, और लोक खराब नहीं रहता, एकदम स्मूथली चलता है। बहुत बढ़िया, लोग खराब नहीं होगा और एकदम स्मूथली चलेगा। बहुत बढ़िया काम कर रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो कि एक बार आपको नजदीक से दोनों चाबियां दिखा रहा हूँ, ये सामने रख के, ये देखिए दोस्तों, ये मैं सीट के ऊपर चाबियां रखी हैं, दोनों चाबियों में कोई फर्क नहीं है, दोनों चाबियां एक जैसी हैं, बिल्कुल दोनों सही तैयार की गई हैं। अगर आपको कैसे ही लगती है ये जो चाबी तैयार करी गई है ये वाली, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों आपने मेरे को, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और मेरे चैनल जेडी व्लॉग्स दिल्ली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
सवाला भाई, अपना कोई कार्ड है अगर किसी ने आके आपसे चाबी बनवानी हो तो, कोई फोन नंबर या कार्ड? हाँ सर, मैं विजिटिंग कार्ड रखता हूँ अपना, आलम कंप्यूटराइज की मेकर। जैसे ये कस्टमर वगैरह आते हैं, वो नंबर मांगते हैं, मैं उनको अपना विजिटिंग कार्ड देता हूँ। तो दिखाइए, मैं आपको अपना विजिटिंग कार्ड दिखा रहा हूँ सर, ये लीजिए। सो दोस्तों, ये देखिए कि आलम भाई का ये विजिटिंग कार्ड है, और कहाँ पे है इनकी दुकान, ये है सेक्टर 6 की मार्केट में। ये उनके फोन नंबर हैं। तो शिवम, मेरे को तो पालम में क्यों लेके आए मेरे भाई? भाई मेरी अपनी क्लासिक स्टैंडर्ड 350 है, उसका साइलेंसर चेंज कराने के लिए आया था, और छोटे मोटे काम हो चाहे बड़ा काम हो चाहे कुछ भी हो, मैं सिर्फ यहीं पे ही आता हूँ, पालम सेक्टर 1 फ्लाईओवर के नीचे, दिलशाद। सारे जानते हैं, पूरे द्वारका के अंदर फेमस है, द्वारका भी नहीं मतलब आसपास जितना भी वेस्ट दिल्ली में सब जानते हैं दिलशाद। अभी कौन सा लगेगा, ग्लास फुल वाला? गोल्ड स्टार सैंस गोल्ड स्टार, सैंस गोल्ड, हाँ गोल्ड स्टार दोस्तों, जिसको हम गोल्डी बोलते हैं, वो वाला चेंज होगा। ठीक निकलेगी इसकी आवाज़? ये लगी चाबी, और उधर मेरे वाले मोटरसाइकिल की चाबी। शिवम कैसा लगा यार? बहुत बढ़िया, मजा आ गया, देखिए अलग प्रीमियम फील आ रही है इस चाबी के अंदर, बहुत मतलब इतनी कॉमन है ही नहीं चाबी, वाला भी पूछ ही करा था तभी कहाँ से मिली है चाबी। हाँ वही चीज है, और जब साइलेंसर चेंज कराने गए थे तो उसके पास भी नहीं था, जबकि वो बहुत पुराना है यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का मैकेनिक और एक्सेसरीज वाला, उसको भी नहीं पता था ये चाबी आई कहाँ से। वो मीन्स नई आइटम है वैसे, और क्या, कॉमन नहीं है इसलिए और अच्छी लग रही है कि हाँ हमारे पास बहुत रेयर चीज है। हाँ सो दोस्तों, अब मैं अपना वाला जो मोटरसाइकिल है उसकी चाबी ऑन करके दिखाने लगा हूँ, वो कैसे दिखती है। ऑलराइट, सो मस्त है। सो कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना है आपने, और हाँ मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिए, लिंक नीचे आ रहा होगा इंस्टाग्राम का मेरे, और फॉलो ज़रूर करना है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और मेरे चैनल जेडी ब्लॉग्स दिल्ली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिवम इसको ऑन तो करियो। ऑन तो छोड़ो पहले, सबसे पहले मेरी सीट चेंज कराना, बहुत अनकंफर्टेबल सीट है, और वहीं जहाँ से आपने अपनी ये सीट बिग बॉस बनवाई है वहीं से मैं शुरू, एक सेम इसी शेप के अंदर, सेम इसी डिजाइन के अंदर एक कंफर्टेबल सीट बना। बाकी ये जो है इसकी, ये भी इसने कस्टमाइज कराई हुई है सीट, बट ये बहुत हार्ड फोम है, आपका बहुत सॉफ्ट फोम है, तो मुझे उस फोम में चाहिए। ठीक है, हो जाएगा, चलेंगे करोल बाग, ऑन करके दिखा देता हूँ। ऑलराइट, एक बार इसको चला। दोस्तों आज का मेरा जो वीडियो मैंने बनाया है, जो हमने अपनी फ्लिप की तैयार करवाई है, वो आपको कैसे लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना है, और लाइक और शेयर करिए इस वीडियो को, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल जेडी ब्लॉग्स दिल्ली को। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।